शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। हा, ये देखो भाई, शानदार। वो है हमारा मंदिर जहाँ पे जाना है नेक्स्ट, और ये रहा व्यू। अब यहाँ पे हम थोड़ा बैठेंगे, एंजॉय मारेंगे। तो भाई हमने यहाँ पे लिया, घूम लिया, मज़ा नहीं आया, आज का माहौल सही नहीं है। चलो भाई, और तुम्हें अब तो जाना था मजा लेने के लिए। निकलते हैं यहाँ से। आज मज़ा नहीं आया भाई मेरे को यहाँ पे। लेट हो गया ना अपने को आने में। नहीं, आज लेट नहीं हो, यहाँ पे लेट होता ही नहीं, 9 बजे तक वही माहौल होता है। थोड़ा सा ये तो सही सीन है, सेट अच्छा नहीं चल रहा है आजकल, ज्यादा ठीक नहीं है। मौसम ने साथ नहीं दिया। आज मौसम बड़ा बेईमान है। चलो भाई वापस चलते हैं गाड़ी पे, सेकंड स्पॉट पे चलते हैं, वहाँ के नज़ारे को एंजॉय करेंगे। चलो भाई कौन है? नेक्स्ट स्पॉट। मेरे साइड से ब्लॉगिंग आप ही का ये कर रहा है, कोई कैब ड्राइवर नहीं लगाया मैंने। नेक्स्ट स्पॉट पे चलते हैं। आ जाओ गाइस, मस्त जगह थी लेकिन आज मज़ा नहीं आया यहाँ पे आने में। जो मज़ा पहले आया हुआ था ना, इसलिए अपने को अच्छा नहीं लगा ये जगह। इतना मस्त क्लाउड, इतनी सारी हवा, ठंडा ठंडा होता है ना, वो देखने को नहीं मिला आज। तो चलते हैं नीचे, नीचे वाले स्पॉट पे रुकेंगे थोड़ी देर, और फिर और कुछ करेंगे क्योंकि मंदिर तो 10 बजे खुलता है। तो आ गए हम यहाँ पे, कहाँ पे? अच्छा, अब यहाँ पे घूमेंगे थोड़ा, एंजॉय करेंगे, उसके बाद आगे निकलेंगे। किधर जाना है? चलो भाई पहुँच गए हम स्पॉट पे। बस ये से थोड़ा जाना है सा या बाइक से? ऊंचाई पे चढ़ने वाला एरिया है, और यहाँ से नीचे से मस्त व्यू आता था। बाइक लगवाई कि फोन रखी? नीचे 1000 के बाद ये स्प्रिंग सीज़न है यार, गलत सीज़न में आ गया लग रहा है हम लोग। चारों तरफ पतझड़ हुआ हो रखा है, ग्रीनरी नहीं मिल रही है, इसलिए बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा है। बट जस्ट लुक एट द व्यू। ये मैं जिस टाइम पे आया था भाई, पूरा का पूरा ग्रीनरी था, लेकिन अभी बिल्कुल सूखा हुआ है बिकॉज स्प्रिंग सीजन है। और चलते हैं इस रास्ते पे, देखो ये रास्ता बिल्कुल सूखी हुई झाड़ियों का हो चुका है, और किसी ने तो आग लगा दी इसमें। और मैं जिस टाइम पे आया था, 1 साल या 1 या 2 साल पहले, फुल ग्रीनरी थी यहाँ पे, इतना शानदार माहौल था ना। अभी बिल्कुल सूखा है, बिल्कुल आज मज़ा ही नहीं आ रहा है, गलत सीज़न में आ गए। मुझे लग रहा है अगस्त सितंबर में आते हैं तो सही लगेगा। ये फरवरी मार्च का सीन है, बिल्कुल स्प्रिंग सीज़न है, तो बिल्कुल माहौल ही सही नहीं है यहाँ का। देखो फिर भी एंजॉय द व्यू। ये रहा पुराने ज़माने का घर, झाड़ियों से जाते हुए। ये ग्रीनरी होती तो और मज़ा आता इसमें घूमने में, लेकिन बिल्कुल झाड़ी हो चुकी है इस समय। चलो देखते हैं क्या है। किसी ने आग लगा दी है इसमें। चलो भाई यहाँ पे घूम लिया, अब नीचे चलते हैं। नीचे जाएंगे मंदिर की तरफ, ये देखो व्यू। वो रहा सामने मंदिर। आते वक्त यहाँ पे हमें 2 रास्ते मिले थे, जहाँ के ये डिसाइड किए थे पहले आगे जाते हैं फिर ऊपर जाएंगे। ये रहा रास्ता, ये रास्ते से हम लोग आ गए थे ऊपर, और ये रास्ता जाएगा मंदिर की तरफ। ये रास्ता जाएगा मंदिर
के लिए गाड़ी वाड़ी सब जाती है, ऊपर जाके हम गाड़ी पार्क कर देंगे। ये देखो भाई, धूप इतना हो गया कि सारे लोग एक एक दुकानों में घुस के बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे कर सकते हैं हम अपनी बाइक पार्क। ओके, यहाँ पे करेंगे अपनी गाड़ी खड़ी, कुछ खाएंगे, फिर ऊपर जाएंगे। ओके, तो भैया हमने गाड़ी की है वहाँ पार्किंग, आधा घंटा बैठ के यहाँ पे हम लोग गिरने किया, खाया थोड़ा, फिर थोड़ा बहुत नाश्ता किया। ये नीचे सीढ़ी से रोड पे जाएगा, ये रहा एरिया। अभी अपन जाएंगे ऊपर, ये चारों तरफ प्रसाद है, खाने का आइटम है, सब चीज़ें मिल सकती हैं। और ये काफ़ी ऊपर तक ये सीढ़ियाँ जाएंगी। चढ़ते चलो, चढ़ते चलो। ये सीन हुआ काफ़ी अच्छा लगता है। ये देखो भाई, नाइस बस चढ़ते जाओ। यहाँ पे दुकान सेट हो रही है भाई, धीरे धीरे। यहाँ पे एक पॉइंट है, जबरदस्त पॉइंट है यहाँ पे। यहाँ पे पहले चल ले क्या, लेट्स गो। चलो भैया, सीढ़ी के बगल से ये शानदार पॉइंट है, पहले इसको एक्सप्लोर करते हैं, देन वी विल गो अहेड। ये भाई, ये यहाँ पे बैठ सकते हो, लेकिन मौसम शानदार चाहिए उसके लिए। अभी धूप बहुत ज़्यादा हो गया है। जस्ट लुक एट द व्यू मैन, जस्ट लुक एट द व्यू। वो जगह है जहाँ पे हम बैठे थे फर्स्ट राउंड में, जहाँ जाके बैठे थे, वो वाली जगह है। हाँ, और ये नीचे से रास्ता आ रहा है भाई, ज़बरदस्त व्यू। और अपने को जाने किधर है, दैट एरिया। वो था व्यू पॉइंट, यहाँ से हम आए एंड अब ऊपर जाएंगे। वो भी एक व्यू पॉइंट है, वहाँ पे लिखा हुआ है एक्चुअली कि व्यू पॉइंट है, वहाँ से बहुत सही फ़ोटो आता है। सीढ़ियों से चढ़ते हुए जाना है कि यार सब, ये पतझड़ का मौसम हो गया ना, मज़ा नहीं आ रहा है। ग्रीनरी फुल होती है तो मज़ा ही आ गया होता। आ जाओ ऊपर चलते हैं व्यू पॉइंट की तरफ। हाँ, सस्पेंस दिए, मेरे को 250 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ेगी। वहाँ जा सकते हो मंदिर की सीढ़ियों पे, मंदिर की सीढ़ियाँ नहीं है, सीढ़ियाँ हैं, बैठे हुए हैं, वेट कर रहे हैं हम लोग। 10 बजे मंदिर का टाइमिंग है, कटोरी की कमी है, धूप बहुत ज़्यादा है, फ्यूल का पैसा निकल जाता, बैठ के वेट कर रहे हैं भाई। कटोरा लेके बैठ जाओ, होटल में 10 बजे का गेट खुलेगा, फिर अंदर जाएंगे, अंदर देखेंगे क्या क्या सीन है। देख तो चुका हूँ मैं, खैर दिखाऊंगा आपको। हम लोग नहीं देखे भाई, मैं तो देख चुका हूँ भाई, 2-3 दो बार पहले। चलो भाई, मंदिर खुल गया, पंडित जी आ गए, अंदर चलते हैं। अब पता नहीं जब से हम लोग सीढ़ी बैठे हैं, ये रहा नजारा, हाय कितना प्यारा। वो रहा भैया गेट, गेट खुल चुका है, हम लोग पता ही नहीं था गेट खुला है। देखो मैं उसकी बात कर रहा था, मैं उस पेड़ की बात कर रहा था। इधर 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 सब लोग इधर आओ एक बार। मैं उस पेड़ की बात कर रहा था। अच्छा, वो छोटा पेड़ था, देखो कितना बड़ा हो गया, उस पहाड़ के बीच में उसको जाके उगने का मतलब मिला। हाँ, उसको बड़ा होने का हक नहीं है, उसको मतलब और कुछ जगह नहीं मिल रहा था, वही मिल रहा था वहाँ पे जाके उसको। चलो भैया, ये रहा गेट, वो इसलिए लिखा है क्योंकि ऊपर जमा करने वाला है और पैसा लगता है। That's why they have written this. ये देखो भाई क्या शानदार नज़ारा, इन नज़ारों को देख के तो मज़ा आता है।
ये देखो ये क्या है, क्या है ये? बता दे भाई क्या है ये? नहीं नहीं अभी और है, अभी तो आएगा मजा। ओम श्री गणेशाय नमः। ये देखो गणेश भगवान जी हैं, प्रभु जी। ये देखो नजारे, ये क्या सीन है, मस्त जबरदस्त सीन है। अब हम पहुंचने वाले हैं फाइनली ऊपर। ये देखो पहुंच गए, यहाँ पे जूता चप्पल खोलना होता है, जमा करना होता है, यहाँ पे पैसे देने पड़ते हैं, सेफ रहता है। और फिर अंदर मंदिर होगा, पहले जूते जमा करते हैं फिर आगे जाते हैं। यहाँ पे शूज़ हमने कर दिया जमा, एंड दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक। ये राम मंदिर का एरिया, उधर तालाब है, उधर जाएंगे हम, इधर हाथ धुलने के लिए जगह है, पहले उधर जाते हैं। फुल वाटर था ये भाई, पानी यहाँ भी ख़त्म हो गया। जब तू आया था ये पूरा यहाँ तक पानी था, ये पूरा का फुल वाटर। जब तू आया था इधर पानी में पैर डालने लग था। हाँ फुल यहाँ पे वाटर था, जब ये आया था पूरा खत्म ही हो गया भैया। ये रहा मंदिर, यहाँ तक पानी था, पहाड़ हम लोग खोल जाएंगे इधर पैर डालने का पानी में। सीन बहुत गड़बड़ चल रहा है भाई यहाँ पे, दो साल में आज का बहुत पानी खत्म हो गया भाई। गजब सीन हो गया यार, अभी मैं एडिटिंग के टाइम पे देखा कि आवाज़ ही नहीं है इस वाले क्लिप में, शायद मेरा माइक्रोफोन ऑफ रह गया था। तो मतलब मैं इसमें यही बता रहा हूँ कि वो बीच में जो छोटा लड़का बैठा हुआ है, उसने आके हमसे कांटेक्ट किया कि भैया आप लोग ब्लॉगर हो, ये है, कौन सी गाड़ी चलाते हो। फिर मैंने उससे बात की और पता चला कि ये मेरे तरफ का ही है, लाइक मैं गोरखपुर के पास में हूँ ना, तो वहीं पे पास में एक गाँव है, वो वहीं के पास का ही लड़का था। मज़ा आ गया मिल के। मोटो ब्लॉगिंग के फील्ड में काफ़ी इसका इंटरेस्ट था, ये बहुत सारे लोगों को देखता है, तो वो हमसे पूछ रहा था भाई कौन सा कैमरा यूज़ करते हो, बाइक, सब हमने अपना अपना एक्सप्लेन किया। और उसने हम लोग का चैनल भी सब्सक्राइब किया है और कमेंट भी कर रहा है आजकल वीडियोस पे, अच्छा लगा मिल के। क्या हो गया, बंद हो गया क्या? पेंटिंग शुरू हो गई। ये रहा मंदिर, इसके अंदर जा सकते हैं भाई। चलो भैया लाइन लगा के अपन जाएंगे धीरे धीरे मंदिर में। अभी फ्रंट स्क्रीन दिख रहा है अभी बंद हो जाएगा। हम आ रहे हैं क्या उसमें? यस यू आर। जूता लिया हमने पहन, जाएंगे अब नीचे, बैठेंगे गाड़ी पे, एक्सीलेटर देंगे खींचे, यो फिर गाड़ी, अरे यार भाई को टीका लगा दिया, ये लुक सो बैड, पंडित लग रहा है भाई, अभी इसको लुंगी पहना दिया जैसे यार भाई को एकदम पंडित लगे। यस जिंदा पंडित डरा दिया यार तुमने, तुमने लगाया टीका लग रहे हो पंडित, खाया तुमने अभी नीचे केला और खाया पकौड़ी अभी बन नहीं पाया भाई। ओ भाई ये देखो आया खतरनाक, क्या व्यू है भाई, शानदार भाई व्यू तो शानदार है, बट ग्रीनरी कम हो गई है थोड़ी सी, बिकॉज गलत सीजन में आ गए हम लोग, सीजन इज नॉट गुड। तैयारी हो रही है भाई फोटोशूट की, फोटोशूट, हाँ फोटोशूट की तैयारी। मन कर रहा कुछ वापस जाने का समय आ गया भाई, उतरते हैं नीचे व्यू के साथ। यस इट इज,
आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। आ गए हम बाहर। वो अपना बच्चा आ गया वहाँ पे। आप वापस आ गए, हम नीचे चलते हैं भाई, नीचे उतरते हैं, फिर देखते हैं क्या प्लान है अपना आज का। क्या था, कैसा लगा? हाउ वाज द प्लेस? एक जगह नहीं है कि गए और आ गए, वैसा नहीं है। मतलब बहुत सारा है तो अच्छा है। हाँ, मतलब काफी पॉइंट्स थे तो मंदिर के टाइम के लिए वेट करने का थोड़ा सा टाइम ही मिल गया। रहता कि सीधा ही खेल रहता है, जो एक लेक बता रहा है ना, यहाँ से 16 किलोमीटर है, चलना है। अभी देखते हैं, रिसर्च करते हैं थोड़ा सा। आ गए हम नीचे। कहाँ है हमारी गाड़ी? है कि नहीं गाड़ी हमारी? हमारी गाड़ी है ना। चलो भाई गाड़ी पे चलते हैं। चलो ओके भैया, तो हो गया हमारा राइड कंप्लीट। 10 बजे ही मंदिर खुलता है, ये बात याद रखना। और आसपास की जितनी भी चीज़ें हैं उसको घूमो, एक्सप्लोर करो, अपने आप थोड़ा टाइम बीत जाएगा। एंड देन गो फॉर टेंपल। बट एक चीज़ तो ये बोलूँगा मैं कि ये कितनी तारीख है आज? 10 मार्च को आए हुए हम। 10 मार्च को हम घूमने आए यहाँ पे भाई। पतझड़ का मौसम, स्प्रिंग सीजन, धूप, सारा ग्रीनरी खराब हो चुका है बिल्कुल। और मैं किस टाइम पे आया था कोई वर्डिक्ट नहीं दे पाऊँगा मैं, बट इस टाइम पे बिल्कुल ख़राब था सीन यहाँ का। पूरा पतझड़ हो चुका है, सारे पेड़ सूख चुके हैं, ग्रीनरी बिल्कुल नहीं बची है। ऊपर मंदिर में जो तालाब था उसमें पानी भी सूख गया यार। नहीं तो अगर इसके असली पीक वाले टाइम पे है ना, और असली पीक क्या होता है मैं यहाँ नहीं बता सकता हूँ, तो उस टाइम पे अगर आओगे ना यहाँ पे, जो हरियाली देखने को मिलेगी ना, कि मतलब मज़ा ही आ जाएगा, जन्नत जैसे। बट अभी बिल्कुल वो चीज़ देखने को नहीं मिला एंड मज़ा नहीं आया उतना ज़्यादा। तो अभी हम वापस नीचे उतर रहे हैं। नीचे उतर के हम वो एक जो नीचे लेक था वहाँ जाएंगे, तो लेक पे थोड़ा बैठा जाएगा, उसके बाद से फिर आगे का प्लान सोचेंगे क्या करना है। ये तो भाई आ गए हम नीचे बिल्कुल हाईवे के पास। ये रहा हमारा एंट्री गेट, नाउ दिस इज एग्जिट गेट। लेक में जाने नहीं दिया, बोल रहा है गाड़ी बाहर करो फिर अंदर जाओगे, इसलिए हम लेक में गए नहीं, हम वापस जा रहे हैं। तो भाई फाइनली हमने डिसाइड किया कि और कहीं भी नहीं जाएंगे, बिकॉज धूप बहुत ज़्यादा हो गया ना। कहीं भी जाएंगे कोई जाने का मतलब नहीं होगा, अर्ली मॉर्निंग ही जाना सही रहता है, चाहे कोई भी जगह हो, कितनी भी नज़दीक हो यहाँ से। इसलिए आज का राइड यहीं ख़त्म करते हैं। एंड आई होप यू हैव लाइक द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में किसी अच्छे लोकेशन पे, अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू सून गाइज़।